नमस्कार, स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं साक्षी शर्मा और स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश कश्मीर से। धारा 370 खत्म। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन विधेयक 2019 राज्यसभा में पेश किया। इसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है। जम्मू कश्मीर का पहला हिस्सा जम्मू कश्मीर ही होगा। यह दिल्ली की तरह एक केंद्र शासित प्रदेश होगा। यहां पर एक विधानसभा होगी। अब तक जम्मू कश्मीर के साथ रहने वाला लद्दाख अब अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। लद्दाख में विधानसभा नहीं रहेगी। अमित शाह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लद्दाख के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया जाए, ताकि यहां रहने वाले लोग विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके। अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि उन्हें अच्छा लगता है अगर विपक्ष उनसे यह सवाल पूछती कि सरकार जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में यह बदलाव किन कानूनी प्रावधानों के आधार पर कर रही है। अमित शाह ने बताया कि देश के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370(3) के तहत पब्लिक नोटिफिकेशन से धारा 370 को सीज करने के अधिकार है। राष्ट्रपति ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान सभा के अधिकार अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में निहित होते हैं, क्योंकि संविधान सभा है ही नहीं, क्योंकि वहां राष्ट्रपति शासन है। इसीलिए जम्मू कश्मीर असेंबली के सारे अधिकार संसद में निहित हैं और राष्ट्रपति के आदेश को हम साधारण बहुमत से पारित कर सकेंगे। तो वहीं अब बताते हैं आपको कि मोदी सरकार ने इस विधेयक के तहत चार अहम बड़े फैसले लिए। क्या ये फैसले, चलिए देखें। तो जम्मू कश्मीर पर चार बड़े फैसले। पहला फैसला, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटेगा। दूसरा फैसला, जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग होगा। तीसरा फैसला, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। और चौथा फैसला, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देना। ये चार बड़े फैसले आज किए गए। धारा 370 को हटा दिया गया है, तो अब सभी बिंदु धारा 370 के लागू नहीं होंगे। तो केंद्र सरकार के इस फैसले पर विपक्ष खासकर कांग्रेस अब बौखलाई हुई है। लेकिन धारा 370 हटाना क्यों जरूरी है, यह देखिए। तो जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी। बता दें कि जम्मू कश्मीर का राष्ट्र ध्वज अलग था। वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं माना जाता था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होते थे। वहीं संसद को जम्मू कश्मीर के सभी मामलों में कानून बनाने का अधिकार भी नहीं था। रक्षा, विदेश और संचार मामलों में ही संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। जम्मू कश्मीर की महिला पाकिस्तानी से शादी करती थी तो उसे भी कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। धारा 370 की वजह से कश्मीर में आरटीआई और सीएजी जैसे कानून भी लागू नहीं होते थे। तो कश्मीर में महिलाओं पर शरियत कानून भी लागू था। कश्मीर में पंचायत को अधिकार प्राप्त नहीं था। कश्मीर में अल्पसंख्यकों को 16% आरक्षण नहीं मिलता था। तो धारा 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे। तो धारा 370 के बारे में कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। धारा 370 भारतीय संविधान का ही एक
अंग है। बता दें कि संविधान के 21वें भाग में इस धारा के बारे में स्पष्ट साफ लिखा गया है, यह धारा अस्थाई, परिवर्तनीय और विशेष प्रावधान वाला है, यानी धारा को समय समय पर बदला जा सकता है, इसमें परिवर्तन होने की गुंजाइश है। वहीं 1954 की बात करें तो कश्मीर के वजीर आजम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जब बंदी बनाए गए तब ये लागू हुआ। अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू के परम मित्र माने जाते थे। ये सारे संशोधन जम्मू कश्मीर विधानसभा द्वारा पारित किए गए संशोधन है। तो दरअसल जवाहरलाल नेहरू की भी कल्पना थी कि इसमें संशोधन हो। 21 अगस्त 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर के एक नेता प्रेमनाथ बजाज को जो चिट्ठी लिखी थी उससे ये साफ होता है। देखिए उस चिट्ठी में क्या लिखा है। उस चिट्ठी में लिखा था नेहरू ने, वास्तविकता तो यह है कि संविधान का यह अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिलाने के लिए बताया जाता है उसके होते हुए भी अन्य बातें की गई है और जो कुछ किया जाना है वो भी किया जाएगा। मुख्य सवाल भावना का है, उसमें दूसरी और कोई बात नहीं है। कभी कभी भावना ही बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। तो चलिए यहां आपको यह जानना भी बेहद जरूरी है कि धारा 370 कश्मीर से पूरी तरह खत्म नहीं हुई है लेकिन कमजोर हो चुकी है। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अपने बयान में कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड एक के सिवा इसके सभी खंडों को रद्द कर दिया जाएगा। दरअसल खंड एक भारत के राष्ट्रपति को कोई अधिकार देता है, इसके तहत राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर के राज्य विषयों के लाभ के लिए संविधान में अपवाद और संशोधन करने की ताकत रखता है। इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने इसके प्रावधानों को खत्म कर दिया है।